सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के सीएमआर, जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। उन सब में कांग्रेस कामयाब रही है। तो जनता ने हमारे प्रयासों पर, हमारी नीति पर, हमारी नियत पर लगाई है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। खुशी रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी 4 साल में हम लोग तमाम जो मैनिफेस्टो बनाया हमने, जिन घोषणा पत्र जिसको कहते हैं हम लोग, और जिसको हमने कैबिनेट के अंदर अप्रूव करके सरकार की कार्य योजना के रूप में उसको स्वीकार किया है, उसके अनुरूप ही हम लोग गवर्नेंस देना चाहेंगे। शासन हम चले जो जनता ने वादे किए हैं उनके आधार पर। और मुझे कहते घर है, पूरे मुल्क में कांग्रेस सरकार है जिसने 98 के अंदर जब हम चुनाव जीत के आए थे तब ये परंपरा शुरू करी थी कि चुनाव जीतो तो जो वादे करो जनता से उसको निभाओ। बड़ा मैनिफेस्टो बनते थे, चुनाव के बाद लोग भूल जाते थे। पहली बार हमने 98 उपयोग किया और तीसरी बार हमने इसको लागू किया है। उससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी मंत्रा क्या है, कमिटमेंट क्या है, और कमिटमेंट को हम तरजीह देते हैं जो देना, मैं समझता हूं सभी दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से जरूरी है। मुझे ये कहते खुशी है कि अभी भी हम लोगों ने जो दस्तावेज है मैनिफेस्टो के, उसमें जो घोषणा है 503 घोषणा है, उसके अंदर है 503 वादे किए हुए, उसमें 119 जो है वो पूरे कर लिए, 24%, और 42% जो है 2013 पे कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो वादे किए थे उसको निभाना चाहते हैं। होता कई बार ऐसा भी है कि हम वादे करते हैं, कुछ वादे कई कारणों से निभ नहीं पाते हैं। वक्त आने पर वो बताएंगे कौन से वादे नहीं दे पाए हैं और क्यों नहीं दे पाए। तो आज की तारीख में कहते हुए गर्व है कि हम लोगों ने जो प्रयास किए उस पर हम लोग बहुत कामयाब हुए हैं। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की बात करते हैं तो तीनों बातें दिमाग में रहती है मेरे तमाम कैबिनेट के सहयोगियों के, कि हमें संवेदनशीलता के साथ काम करना है। जन भावनाएं, जनता की समस्याएं, उस पर संवेदनशील रहना है और जवाबदेह प्रशासन देना है जिसकी जनता उम्मीद करती है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी कैसे रहे, उसके बावजूद भी आप देखते हो कई बार शिकायत आती रहती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, और उसके अंदर भी हम लोग चूकते नहीं है। जो जिस प्रकार से जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो भी एक इतिहास है, और इसके अंदर ऊपर से नीचे तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन करेगा, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद में हमेशा की तरह हम आपको प्रेस नोट देंगे, तो डिटेल्स के अंदर क्या क्या हमने वादे पूरे किए वो आपको लिखित में जानकारी मिल जाएगी। अभी हमने एक मैंने वीसी करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी कलेक्टर के साथ में। आप देखा होगा कि हमने कई 9 लोगों को सस्पेंड किया। हमने कहा हर महीने वीसी होगी, हर महीने वीसी होगी, और जो शिकायत आती है पब्लिक की, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे मंत्री लोग बैठते हैं उनके जरिए,
चाहे मुख्यमंत्री निवास पर मुझसे मिलते तब भी, हम चाहते हैं कि नौबत ही क्यों आए कि जयपुर तक लोग आए, हम चाहते हैं कि जिले तक शिकायतें अपील होकर के वो निस्तारण हो जाए उसका। ये जो देख रहे हैं कि जो यहां तक आते हैं उसका पूरा एक टीम बनाई हुई है सीएमओ के अंदर, वो बकायदा विश्लेषण करती है, वो भेजती है जिला प्रशासन को, जवाब मांगती है और उसके आधार पर तय करती है कि इसमें जो कुछ भी शिकायत थी उसका निस्तारण किस रूप में हुआ है। उससे भी परफॉर्मेंस जांची जाती है कि जिले के अंदर ब्लॉक के अंदर कौन क्या काम कर रहा है। ये हमने लागू किया सबके लिए। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पुलिस प्रशासन के अंदर हमने तय किया कि एफआईआर की जो है लॉन्च करने की शिकायतें अमूमन बात रहती थी, अच्छे अच्छे लोग थाने में जाना पसंद नहीं करते, जिस प्रकार के व्यवहार जिस प्रकार की भाषा काम ली जाती है हमने तय किया उनको चेंज करवाने, मान सम्मान के साथ में फरियाद जाए, फरियादी रिसेप्शन रूम बने वहां जो बनवाने शुरू कर दिए हम लोगों ने, उनको बाकायदा वहां बैठाया जाए, उनकी बात सुनी जाए और एफआईआर दर्ज करना कंपल्सरी किया गया। संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं और आम जनता को भी कहना चाहता हूं, जब आप फरियादी की पहले सुनवाई होती नहीं थी, भगा देते थे, जाते नहीं थे लोग, अब हमने कहा जाने की हिम्मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सम्मान मिलेगा और एक एक जो है आपकी एफआईआर लॉज होगी, कंपल्सरी कर दिया। कोई थानेदार नहीं करेगा तो एसपी को अधिकृत कर दिया, पहली बार देश के अंदर कि एसपी जो है वो अपने दफ्तर के अंदर वो चाहे तो एफआईआर लॉन्च कर सकता है, वरना वो भेज सकता है, आदेश करके भेज सकता है। कहने का मतलब अनिवार्य कर दिया गया राजस्थान में एफआईआर लॉन्च करना। अभी भी आंकड़े बढ़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पर साथ साथ में कार्रवाई भी हो रही है, जो क्राइम करने वाले लोग पकड़े भी जा रहे हैं। रेप हो गया, अभी टोंक के अंदर घटना हुई, 24 घंटे पकड़ लिया उसको। तो इस प्रकार से सरकार जो है मुझसे देगी राजस्थान में किस प्रकार से कानून का राज स्थापित रहे। अभी जो भारत सरकार ने जो बिल पास किया है, सिटीजनशिप बिल पास किया है, कल ही मैंने मीटिंग बुला के सबको आगाह किया है कि आप मुस्तैद रहें, राजस्थान में शांति कायम रहे, सौहार्द कायम रहे, बात रखें, क्योंकि जिस प्रकार की मंशा भारत सरकार की सामने आ रही है, देश के सामने आ रही है, जिसमें इश्यू बेस्ड राजनीति करने की बजाय कि मुद्दे क्या है, आर्थिक व्यवस्था आर्थिक स्थिति क्या है देश की, मुद्दा अपना भी बन गया है कि जब एडवाइजर जो है प्राइम मिनिस्टर के सुब्रमण्यन वो अमेरिका से कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में जा चुकी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि सामाजिक ताना बाना खत्म हुआ है देश में, भय का माहौल है, हिंसा का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, तो सामाजिक जो नेटवर्क जो कमजोर हुआ उसके कारण भी जीडीपी गिर रही है। राहुल बजाज ने क्या बोले वो देश पूरा सुन रहा था, सुगम राजन ने क्या कहा, आरबीआई गवर्नर ने जिनको इस्तीफा देना पड़ा, खुद इस्तीफा देकर चले गए, उसने कहा पूरा सेंट्रलाइज पीएमओ कर चुका है, इसलिए अर्थव्यवस्था स्थिति बिगड़ती जा रही है, उनका ही कहना था। लोन लिया आरबीआई से मालूम है पहली बार आजादी के बाद, और मेरे पास भी खबरें हैं आती रहती है, पीएमओ ही इनकम टैक्स के माध्यम से तय करता किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, कहां छापे डालने, नेटवर्क अलग बना दिया उन्होंने अपना विजिलेंस का, वो सीधा पीएमओ से रिपोर्ट करता है। उस प्रकार के हालात देश में बन चुके हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया वाले हो, राघव बहल के यहां क्या हुआ,
एनडीटीवी के मिस्टर रॉय, क्या नाम उनका, प्रणव रॉय, उनका छापा उनके यहां पड़ गया। तो आप बताइए कि कैसे मीडिया इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा, जब सबको मालूम है कि जब हम बोलेंगे खिलाफ में, वो लवासा बोला वहां पे डिसेंट नोट लिख दिया ईसीआई के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर डिसेंट नोट लिख दिया उसने, उसको लेके उसके बेटों पे परिवार में छापे पड़ने लग गए। तो कहां लोकतंत्र बचा देश के अंदर, ये चिंता लगी हुई है, उसको हमें बचाना है। भारत सरकार टाइट करी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, स्कैंडल बहुत बड़ा है अपना, ये जो बॉन्ड का स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये 95% ज्यादा पैसा बीजेपी के पास जा रहा है। धमकी मिलती कि आपने कांग्रेस को चंदा क्यों दिया, आपने सीपीआई सीपीएम को या सपा को, जो भी पार्टी विपक्ष की है बसपा हो, चंदा आपने कैसे दूसरों को दिया, आज तक कभी नहीं पूछते थे। चंदा दिया किसको दिया, कांग्रेस को दिया, धन्यवाद आपका। कितना दिया आपने बीजेपी को, हमें मतलब नहीं, वो टाइम था। वो कहते नहीं छोड़िए आप, हमें दिया नहीं, छोड़िए आप तो। अब बीजेपी पूछती है आप छोड़िए हमें दिया नहीं, हमें चिंता नहीं उसकी, कोई धन की कमी नहीं उनके पास, तो रखने की जगह नहीं है। चेक लाओ कैश ले जाओ, ये सिस्टम चल रहा है हाईकमांड में बीजेपी के अंदर। तो आप सोच सकते हो इस देश में आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म करने के लिए आपने अभियान चला रखा हो, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप कर रहे थे, वो आपकी दाल गली नहीं है। अब आगे बोलती बंद हो गई है, अब आप कभी नहीं बोलोगे। झटका दिया है जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने और हरियाणा की जनता ने, उसके बाद में अब बोलती बंद है, ना मोदी जी बोलेंगे ना अमित शाह बोलेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कभी नहीं करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, बात मैं कई बार कह चुका हूं, वो टाइम भी आएगा। आप देखोगे जो रैली हुई है दिल्ली में अभी परसों के रोज, वो रैली अपना एक संदेश है के लिए, और बीजेपी के तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो जिस तादाद में लोग आए थे पूरे मुल्क से, उनको मालूम पड़ गया कि आज उनका ग्राफ किस प्रकार गिर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि तमाम हालात ये हो गए हैं कि राजस्थान हो चाहे अन्य प्रदेश हो, जो गलतियां कर रही है एनडीए गवर्नमेंट भुगतना पड़ा, राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। जिस रूप में ऐसे हालात आजादी के बाद पहली बार हुए हैं, केंद्र जो है संविधान के अंतर्गत बनता है, फाइनेंस कमीशन बनता है, वो तय करता है 42% किस क्राइटेरिया जाएगा राज्यों के पास में, टैक्स का हिस्सा जाएगा। आप बताइए सारे नॉर्म्स बदल रहे हो, वो टैक्स का हिस्सा कम हो गया राज्यों का, ग्रांट कम हो गई, स्कीमें सारी जो चलती थी पहले, अनेकों स्कीमें थी केंद्र सरकार की, चाहे केंद्र सरकार किसी पार्टी की हो, सीएसएस के माध्यम से स्कीमें चलती थी, तो 90-10, 80-20, 70-30, 50-50 होता था। अब तमाम उनको आप या बंद कर रहे हो या उल्टा कर रहे हो, क्या चाहते हो आप, कैसे विकास होगा, ये स्थिति आज बनी हुई। राजस्थान में भी करीब 11,000 करोड़ रुपया कम होंगे, महाराष्ट्र में 15,000 करोड़ कम हो रहे हैं, इसीलिए आज भी विषय है केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, पंजाब के वित्त मंत्री अपन बातचीत कर रहे हैं। पहले एक विषय हुई थी, एक बार धारीवाल जब गए थे दिल्ली, तो 5 वित्त मंत्रियों ने स्टेटमेंट जारी किया आगाह करने के लिए केंद्र को, फिर उसके 2 दिन बाद जाके मिले वित्त मंत्री से, उसने टाइम मांगा तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस रूप में केंद्र का डिवोल्यूशन रोक करके सरकार चाहती क्या है, और जो कई हिस्से हमारे बनते पहले से पेंडिंग है पिछली गवर्नमेंट से, वो नहीं मिल रहे। इस प्रकार से हालात विदेश चल रहा है,
हम चाहते हैं कि जो वादे हमने किए उनको हम कैसे रिसोर्स मोबिलाइज करके करें, पूरे कैसे हम लोग खर्चे कम रखें राजस्थान के अंदर, ये प्रयास जारी है। और कैसे हम लोग इनकम रेवेन्यू बढ़ाएं हमारी अपनी, पर बिना केंद्र के सहयोग से ये कभी संभव नहीं होता है। कोई राज्य किसी पार्टी की सरकार हो, वहां पर आजकल सरकारें कर्ज के बोझ से दबी पड़ी है, चाहे वो केंद्र की सरकार खुद हो और चाहे राज्य सरकारें हो। तो जो हालात आपके सामने रख रहा हूं इसलिए कि आप सबकी जानकारी में रहना चाहिए। हम जो चाहते हैं कि माफिया के बारे में कल मीटिंग करी है, जितने माफिया राजस्थान में है, चाहे कोई माफिया किसी सेक्टर का हो, वैसे माफिया चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ ठीक किया हुआ वहां पर। और बाकी चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे ब्लैकमेलिंग करने वाले लोग हो, चाहे दवाइयों के नाम पे जो ठगी कर रहे हैं, आप देखते हैं टीवी के अंदर। मैं आपके माध्यम से टीवी वालों को भी कहना चाहूंगा, मालिकों को, कृपा करके आप उन विज्ञापनों पर रोक लगाएं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं दवाइयों के नाम पर, चमत्कार के नाम पर। ऐसे विज्ञापन मीडिया में नहीं आने चाहिए, ये रुकने चाहिए। और सरकार कोशिश कर रही है, एग्जामिन कर रही है कि सरकार किस प्रकार से इनके खिलाफ अंकुश लगा सके, कौन कौन सी धाराएं ऐसी है जिसके माध्यम से ये लोग दवा बेचने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सके, और किस प्रकार मीडिया को हम लोग समझा सकें कि आप कृपा करके इनको देना बंद कर दो। मीडिया की बड़ी जिम्मेवारी है, चौथा स्तंभ कहलाता है, तो उसकी जिम्मेवारी है तो वो इस प्रकार के जो नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हो, मिलावट है, मिलावट को शुद्ध के लिए पहले शुरू किया था, अभी माफिया में आएंगे लोग। जो मिलावट खोर है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो मिलावट करके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है लोगों की, उसको किस प्रकार दया होनी चाहिए। ये कल्पना के बाहर की बात है कि इंसान जो है दवाएं मिलावट करे, चाहे दूध नकली बनाए, चाहे वो और किसी दूध की मिठाइयों में या मावे के अंदर मिलावट करे, पनीर में मिलावट करे, मैं समझता हूं कि अब कल्पना कर सकते हो कि हमें क्या उनके लिए करना चाहिए। तमाम कदम उठाए जाएंगे जो कि मतलब जनता को राहत दे सके। माफियाओं के लिए मैंने कहा पूरा सर्वे करो इनका जिले में, और जो पुलिस वाले मिले रहेंगे इनसे, पुलिस वाले कई आप देखते हो कि पुलिस का कई कई लेवल पे लोग मिल जाते हैं इनसे, तो मैंने कहा कल डीजी को आप कार्रवाई ऐसी करो उसको बर्खास्त करने की नौबत है, वो भी कर दो बर्खास्त, वो दया दिखाने की जरूरत नहीं है। जो बाहरी खेत को खा रही है तो फिर क्या करो आप, जो पुलिस रक्षक है वो रक्षा नहीं करने की बजाय खुद मिल जाती है, अगर किसी से कोई पुलिस का कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई, एएसआई, सीआई, क्या करें उसके लिए, बर्खास्त करना चाहिए। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि मैं ये तो नहीं कहता कि रेप जो है यूपी में ज्यादा हो रहे हैं या आंध्र प्रदेश में क्या घटनाएं हो रही है, दिल्ली में क्या हो रहा है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ऐसा क्राइम है कि जिसमें कम या ज्यादा का सवाल नहीं है। पर राजस्थान में हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं, यहां नहीं नहीं करते, आज अंकुश लगा हुआ है, और जो कार्रवाई हुई भी है तो सख्त कार्रवाई हो रही है। और तो और हमने जो हीनिस क्राइम को लेकर जिसमें भी आता है, हमने जो कहा था आपको एक बार सेल बनाएंगे, प्रक्रिया चल रही, कल भी हमने डिस्कस किया उसको, क्राइम ब्रांच में जिसमें लॉ ऑफिसर होंगे वो मॉनिटरिंग करेंगे, उसके साथ में पुलिस ऑफिसर के साथ में मॉनिटरिंग करने के लिए लॉ ऑफिसर लगाए जाएंगे, जो तफ्तीश के दरमियान चालान पेश होने के वक्त में कोई कमी नहीं ले जाए, और चालान के बाद में जो गवाही वगैरह होती है किसी लेवल पे कमी नहीं रहे लीगली भी, उसके वो वॉच करेंगे, ध्यान रखेंगे, इन्वॉल्व रखेंगे अपने आप को, जिससे कि सजा सुनिश्चित हो सके। हीनिस क्राइम को लेकर हमने ये तय किया है। इस प्रकार से
बाकी उन्हें पानी की है, बिजली की है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की योजना तो आप देखें चल रही है। और हमें 50 कॉलेज खोले थे इस बार, तो आप जान के खुशी होगी, करीब करीब 5-6 तो पहले चल रहे थे प्राइवेट को हमने टिकोल किया था, बाकी करीब सब जगह जो सेशन वो शुरू हो गया है उसका। और सरकार की मंशा है कि हम चाहे हर क्षेत्र कोई भी क्षेत्र उसमें हम लोग पूरी तरह कामयाब हो। बाकी हम आपको जब प्रेस रोड जारी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। निरोगी निरोगी राजस्थान का एक जो लोग समाजी वाले स्वास्थ्य मंत्री भी है, ये हम इस बार थीम बना रहे हैं, निरोगी राजस्थान हेल्दी राजस्थान, इसको लेके थीम बन रही है। पिछली गवर्नमेंट थी हमारी तब भी हमने दवाएं फ्री की थी, वो बहुत शानदार स्कीम रही हमारी। आज करीब 5-6 राज्यों के लोग आते हैं यहां पर और हम कोई मना नहीं कर रहे इलाज के लिए, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण का है इसमें राज्यों का, एक राज्य भी आ जाए तो उनको राजस्थान उसको सरकार ने तय किया कि हम उनको पूरी तरह से मान सम्मान दे रहे हैं। और एम्स के मुकाबले में SMS में बल्कि ज्यादा आने लगे मरीज संख्या के हिसाब से भी। इंडोर और आउटडोर सब पेशेंट के लिए दवाएं फ्री स्कीम जो हमारी उसी में संभव है, ये आपके जो भामाशाह की स्कीम थी उसमें भी आयुष्मान भारत के अंदर इंडोर पेशेंट के लिए वो है। हमारी स्कीम वो है इंडोर हो या आउटडोर हो उन सबको मिलेगी दवाएं, दवाएं बहुत कीमती भी है, 5-5 हजार रुपए के इंजेक्शन जो उसके अंदर है। तो तमाम तरह से हम लोगों ने उसको स्कीम और मजबूत करने का तय किया है और करीब 900 दवाएं पार कर चुकी हैं। और टेस्ट फ्री जो है वो अब देखते हैं कि ब्लड टेस्ट है या सोनोग्राफी है, डायलिसिस तो हो रही है, सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर के लोग जो हैं उनको और BPL के लोगों को MRI सिटी स्कैन फ्री। और कोशिश करें सब जगह ये मशीन लगे, जैसे SMS में लगी हुई है, जोधपुर में, बीकानेर में है, अजमेर में है, कई जगह नहीं भी है मान लो, तो हमारा प्रयास है कि हम वहां पर ये मशीनें उपलब्ध हो और इसमें लोगों को राहत मिले, क्योंकि दवाओं का अंदर इलाज में बहुत खर्चे होते हैं आम इंसान के, उसको हम चाहते हैं कि चाहे वो पेंशनर हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, उनके लिए हम लोगों ने तय किया है कि इनकी जो प्रॉब्लम आ रही है कि दवाएं मिलती नहीं है या टाइम पे नहीं मिलती है, उनके लिए हम लोग वहां पर नए सिरे से हमने एग्जाम कराया है, उन सबको दवाएं टाइम पे मिले, इलाज वगैरह उनका। तो ये इस प्रकार से ये इसको और एक्सपेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी का एजेंडा रहेगा निरोगी राजस्थान, उसके अंदर चाहे वो मिड डे मील स्कीम मान लीजिए, या आपका बच्चों को पिंजरिया देते हैं आंगनबाड़ी वहां पर, उसको कैसे मजबूत करें, मैंने हर चीज की मॉनिटरिंग निरोगी राजस्थान के हिसाब से होगी, जिससे कि हेल्दी फूड मिले उसको, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये 5 रुपए फूड वाली स्कीम जो चलती है नगर निगम माध्यम से, उसको मजबूत करेंगे वापस, उनको खत्म नहीं करेंगे, मजबूत करेंगे। कैसे करें, मतलब एक प्रकार का हेल्दी फूड हो तो हेल्दी राजस्थान का मतलब क्या हो, उस पर सब बात आ जाती है। उसके लिए हमने जो लॉन्चिंग कर रहे हैं प्रोग्राम, और उसी रूप में मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कॉपरेट करें कि कैसे निरोगी राजस्थान मतलब हेल्दी राजस्थान रहे, पर्यावरण की दृष्टि से भी हो, प्रदूषण नहीं फैले, ये तमाम लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। निरोगी राजस्थान खाली कहने से नारे लगाने कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए तमाम तरह से जनता से सुझाव मांगे हम लोग, आपके क्या सुझाव है। एक प्रकार से पूरे राजस्थान के आम नागरिकों को इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, ये थीम है साथ में। जितना प्रचार प्रसार होगा उसी ढंग से फिर इसमें आगे काम भी होगा, नई नई योजनाएं आएगी, नए नए सुझाव आएंगे, उसको लोग पूरा करेंगे। लाइफ स्टाइल की डिजीज कई होती है, तो जनता को जागृत करने का काम वो करेंगे कि लाइफ स्टाइल चेंज करने से कौन बीमारी नहीं हो सकती, आप हार्ट की भी है या स्ट्रोक है, ऐसी कई बीमारी जो कि लाइफ स्टाइल के साथ में चलती है। तो टोटल रिसर्च करके उस काम को
हेल्थ मिनिस्ट्री उसको आगे बढ़ाएगी और उसमें हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर राजस्थान एक मॉडल स्टेट बने सबके लिए। बाकी जो हम लोग रोज कहते हैं कि मोदी जी को चाहिए कृपा करें देश पर कि वो जो है जिस रूप में वो चुनाव के अंदर भी चुनाव के अलावा भी मुद्दे क्या है, रोजगार का मुद्दा है, नौकरी जा रही है लग नहीं रही है, कोई चिंता नहीं। 14 वादे किए थे उन्होंने, वो वादे भूल गए। ब्लैक मनी लेके आएंगे, ब्लैक मनी खत्म कर देंगे और विदेशी धन जो है लेके आएंगे देश के अंदर, 2 करोड़ नौकरी लगेंगे नौजवानों की, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते वाले वादे वो तो खुद ने कहे जुमला था। ये तो जो जो वादे आप याद कर लीजिए कहा 14 में, उसका नाम नहीं ले रहे वो। अब वो नई नई बातें कभी लाते हैं, कभी वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, धर्म बिना भी राजनीति कर रहे हैं। 370 की बात करने लग गए वोट मांगने के लिए। अब ये एनआरसी के बाद में अब ये सिटीजन्स एक्ट बना दिया। महाराष्ट्र की जनता ने जब जवाब उनको दिया है कि 370 के नाम पे उन्होंने कैंपेन किया था, 370 और आपका ये राष्ट्रवाद, तब भी वो कामयाब तो नहीं हो गई। तो उनको समझ जाना चाहिए था कि जनता हर चीज का मतलब समझती है, हर चीज का मतलब समझती है। एक हद तक तो सब ठीक है, पर आप अगर जनता को, आप जनता बहुत समझदार है, उनको अगर भ्रम है जनता समझदार नहीं तो भ्रम निकाल देना चाहिए। भ्रम निकला भी है उन्होंने चुनाव में और निकलेगा आगे। क्षणों के पीछे छिपकी राजनीति कर रहे हैं, सदी की निष्ठाई कर रहे हैं। अरे इंदिरा गांधी को याद करो, आज तो विजय दिवस है, आज के दिन उसके लिए मैं तो देशवासियों को मुबारकबाद दूंगा, प्रदेशवासियों को कि शानदार विजय हुई थी उस वक्त में। आप लोग याद करो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी के वक्त, 93,000 कर्नल जनरल मेजर सैनिकों के हत्या सहित संरक्षण करवा दिए। क्या पूरे देश में उत्साह का माहौल था, उत्सव था देश के अंदर। अमेरिका का शासन बेड़ा रास्ते भी रोकना पड़ा उनको, परवाह नहीं करी इंदिरा गांधी ने, वो टाइम भी देखा हम लोगों ने। और विजय दिवस आज के दिन है और ये राजनीति करे सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे। राजनीति कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, सेना के पीछे छिपके लोगों को 71 याद नहीं है, एक पीढ़ी को याद है जो पुरानी पीढ़ी है। आबादी देश की 3/4 मेजोरिटी है नौजवानों की है, तो क्या किसी सरकार का दायित्व ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी को वो एजुकेट करे, मोटिवेट करे, शिक्षित करे, अच्छे संस्कार अच्छी परंपराएं सिखाए फ्यूचर के लिए, उनके खुद के फ्यूचर के लिए और देश के फ्यूचर के लिए। क्या वो काम ये कर रहे हैं, क्या ये काम कर रहे हैं? ये उनको गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, करोड़ रुपए खर्च करके इनकी फौजें बैठी हुई है। एक भी आप कमेंट कर दो मोदी जी के खिलाफ में तो टूट पड़ते हैं हम सब पर, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं हमारे बारे में। तो आप बताइए ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? 3/4 ज्यादा आबादी है नई पीढ़ी की, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी पर है, इस गवर्नमेंट पर है, उनको अच्छे संस्कार अच्छी परंपराएं ये बताएं, उनको शिक्षित करें। उल्टा कर रहे हैं वो लोग, उल्टा कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी की इमेज कैसे डैमेज करो, ये उनके षड्यंत्र रहते हैं। कभी इन्होंने जिंदगी में जो है नीतियां और
विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़े नहीं उन्होंने, हमेशा पंडित नेहरू फिर इंदिरा गांधी फिर इंदिरा गांधी राजीव गांधी नंबर वन जो कांग्रेस में है, ये कांग्रेस के बारे में जो इनके जानते कि देश को आजाद करवाने वाली पार्टी है, इनका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, ये कबूली नहीं करी अपनी, हम संविधान की बातें करें जो उस दिन देखा अपने उसके अंदर, अरे तुम्हारा रिश्ता क्या संविधान से, ना संविधान बनाने में आपका योगदान, ना संविधान को आप मानते हो, खाली चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पे जीते रहते हो, इसलिए आप संविधान की बात कर रहे हो, शपथ लेते हो संविधान की, काम करते हो उल्टे काम पर, संविधान के विरुद्ध जाके काम कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये सब बातें हम लोग देख रहे हैं इनकी, और जनता भी इन बातों पे नहीं आने वाली है। अब थ्री ये जो नया सिटीजन एक्ट लाया, पूरे देश में आग लगी हुई है, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, 130 दिन से बंद है आपका कश्मीर, आप कहां ले आना चाहते, देश को कहां ले आना चाहते हैं ये बताएं मोदी जी। और नया लेके आ गए जो कि इम्प्रैक्टिकल है, एनआरसी में जो मार खाई इन्होंने करोड़ों रुपये खर्च कर दिया आसाम के अंदर, वहीं इनकी पार्टी सरकार है, वहीं लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो खींच मिटाने के लिए बार बार बोलते हैं अमित शाह जी पूरे देश में लागू करेंगे हम एनआरसी, अरे एक स्टेट में लागू नहीं कर पाएंगे, और अब जनता को भ्रमित करने के लिए नया कितना बड़ा रिएक्शन हो रहा है, मेरे खुद के राज्यों में जहां अमित सरकारें हैं, त्रिपुरा के अंदर, आसाम के अंदर और बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कोई जवाब है इनके पास में, ये स्थिति है। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल तय किए हुए हैं कि जो हमने कहा है वो करेंगे हम। धन्यवाद। नागरिकता कानून हजार फीसदी के नौबत क्यों आएंगे, वो 100 फीसदी के ज्यादा से बढ़ता, आप समझ आओ ना, जो आदमी उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखते आप, जो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये गिल्टी कॉन्शियस हो गए, इम्प्रैक्टिकल लागू नहीं होगा देश के अंदर, और तो और जो 6-7 राज्य कह चुके हैं तो इनको उसको विड्रॉ कराना चाहिए, रिपील कराना चाहिए। कहते रहा हूँ आपको मैं, जब 6-7 राज्य कह चुके हैं कि इम्प्रैक्टिकल है, उसका मतलब क्या होता है, इम्प्रैक्टिकल है ये, लागू हो नहीं सकता ये। और राजस्थान वो राज्य है जिसे कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जो विस्थापित आए राजस्थान के अंदर बॉर्डर से, हमारे बाड़मेर के बॉर्डर से या कहीं से भी, हमने उनको नागरिकता दिलाई है, और वो गलत कोर्ट कर रहे थे हमेशा ही वहां उसके अंदर मुझे, कि खाली मैंने हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए कहा है, विशेष चिदम्बरम को लड़ने लिखा था मैंने, उनको पूछो कि अगर वो उनकी मांगे आ रही, वही लोग आए तो उनकी बात मैं करूंगा, और कोई लोग आते तो मैं उनकी बात नहीं करता। तो इस हाउस के अंदर गृह मंत्री जी, राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त बना चीफ मिनिस्टर, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, उसके बारे में नाम लेके आप गुमराह कर रहे हो पूरे हाउस को, मतलब करना मतलब पूरे देश को गुमराह करना होता है। अमित शाह जी भी मेरा आरोप है कि आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हो राज्यसभा के माध्यम से मेरा नाम लेकर के, ये बात है। क्या कहते कहां पर बार कलर के अंदर उसको कैंसिल कर दिया, आप अभिनंदन की आजादी की बात तो आप करते हैं और आपकी नहीं, कोई हम लोग तो पूरी तरह फ्रीडम दी हुए आप लोगों को, हम लोग रोज लिखते हो अनशन, मना करते हम आपको, हम कहते कुछ लिखते कुछ वो तो मना करे आप, किस किस को पकड़े हम लोग, बोल तो दिया। अरे इम्प्रैक्टिकल है, आप समझ नहीं पा रहे, कमाल है। केंद्र पर कितनी योजनाएं हैं उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले 100% केंद्र की हिस्सेदारी होती,
अब 40% राज्यों को दे दिया उन्होंने, तो क्या राज्य पे इसका प्रभाव? केंद्र सरकार राज्यों को बर्बाद करने में तुली हुई है। गलत नीतियों से अब इनकी रेवेन्यू कम हो रही है। जीएसटी था, वन नेशन वन टैक्स था जीएसटी, ये कांग्रेस ला रही जीएसटी, ये विरोध किया इन्होंने, खुद लेके आए, गलत लेके आए, 12 बजे रात को बड़ा तमाशा किया इन्होंने ऐसे वहां पार्लियामेंट के अंदर। अब रेवेन्यू कम हो गई इनकी, 150 बार तो उसमें अमेंडमेंट कर चुके, 150 बार। तो अभी आप जो बता रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, भयंकर एक का नहीं किया है, सारी स्कीमों का कर दिया है, पीएमजीएसवाई का कर दिया, सीएसएस की सब योजनाओं का कर दिया, पैसा रोक रहे हम लोगों का, जो हमारा हक है संविधान के अंतर्गत जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे चुका है उसको रोक रहे हैं। नहीं आप बोले थे, आप बोले थे, रोक दिया हमने, बोले वापस बोल रहे हैं। क्यों रोका? नहीं उस पर नहीं था, उसमें उनमें देखिए उतना आप पता कीजिए हकीकत क्या है, फिर बाद में आपसे अलग से करूंगा। बीजेपी आपकी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज कर, हमें अच्छा लगता है। सुनिए देखो, उपवास करो, धरना दो, अगर सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना, अगर वे सच्चाई है तो अच्छी बात है, अगर सच्चाई नहीं है तो लाभ हमें मिलेगा उसका, क्योंकि जनता समझती है कि ये बोगस लोग हैं, कुछ कुछ करते तो है नहीं, और सरकार को अब इनकी पार्टी में राजनीति चल रही है तो कुछ तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाया आपस के अंदर, परफॉर्मेंस का खेल है, कोई दम नहीं है। एक साल में इन्होंने क्या किया, अब धरना दे उपवास कर रहे हो, 12 महीने 12 तो धरने दिए होते हैं, कोई दम नहीं है। दिल्ली के अंदर तो कल जामिया के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस का अलीगढ़ के अंदर भी सारी स्थिति में क्या रही है? कंडम करते हैं उनको, चिंता का विषय है, बिना मतलब के इन्होंने आग लगा दी पूरे मुल्क के अंदर अपनी जेब बिठाने के लिए, क्योंकि ये फेल हो गए आसाम के अंदर। मेरा आरोप है कि आसाम में जो फेल हुए ये लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो आसाम में खुद की गवर्नमेंट है या लागू नहीं कर पा रहे हैं, मैं पूरे देश में लागू करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं अमित शाह जी, और वहां पे इसलिए लेके आए इसको नए एक्ट को, नए अमेंडमेंट इसलिए किया जिससे ये एनआरसी को लागू कर सके बताने के लिए। अरे भाई, जो आपके जो लोग आए हुए हैं, मना किसने किया आप उनको दो ना नागरिकता दे दो आपने, और आप इस धर्म के नाम क्यों बांट रहे देश को? क्या धर्म के नाम पे बांट के देश एक रह पाएगा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से, मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या धर्म के नाम पे देश को बांट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो बिल्कुल उसके विरोध में है, क्या मुल्क एक रह पाएगा? क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? बताओ देश को आप। मैं तो बार बार कहता हूँ आरएसएस को चाहिए पोलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दो, क्यों कहता हूँ मैं? जब आरएसएस ही राज कर रहा देश के अंदर, छिपके राज क्यों करे, खुल के राज करे? जनता फैसला करेगी हम आरएसएस को सत्ता सौंपे या कांग्रेस को सत्ता सौंपे, इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ बता दीजिए आप। हमारी इच्छा है वो तो घोषणा, जो वादा किया गया वो तो राजस्थान, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्जा माफ हम करेंगे, उसके माने होते हैं जिस राज्य में कर्जे हैं उन्हीं के बैंक के वही तो हाथ में हमारे, हमने एक झटके के अंदर जो कहा उजाला कर दिया हमने उनके लिए, पूरे ही कर्जा माफ कर दिया जिन बैंकों का फसल ऋण था अल्पकालीन, पूरा माफ करने कितने था जाए उसका, भूमि विकास बैंक का भी कर दिया माफ, जो रहन रखी हुई जमीन थी वो छूट गई 70,000 किसानों की, वो सब हमने किया। नेशनल बैंक के लिए मैंने खुद ने कहा हम इनसे बातचीत करेंगे, चाहेंगे 2 लाख तक के कर्जे वो माफ उनके भी हों, पर डिपेंड करता है भारत सरकार के बैंक है इसलिए उनके डिपेंड करता है, और हम उनको कहते हैं कि आप अगर जब
उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर सकते हो, उनके साथ में आप वन टाइम कहते वन टाइम सेटलमेंट, सिंपल बात है, वन टाइम सेटलमेंट अगर एक इंडस्ट्रीज के साथ हो सकता है तो किसान साथ क्यों नहीं हो सकता है। उनका कर्जा तो आपके 5 करोड़ है, 25 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, वो कर्जा आप अगर सेटलमेंट कर लेते हो उनसे और आप 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का कोई मान लीजिए वो है कर्जा, वो सेटलमेंट करने तकलीफ क्या आती है आप, इतनी सी बात है। वो हमारा प्रयास जारी है, लेटर लिखे हम लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर को लिखे लेटर। एक प्रश्न है मेरा, ये पायल रावत देखिए आप थक जाओ तो मुझे कहना, मैं बैठा सब बात को यहाँ पर लेकर, मेरे को तो बात करनी थी, कर ली आपसे, आप अगर चाहें तो मुझसे आप सवाल जवाब चाहें तो भले आप दिन भर सेशन कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा एक प्रश्न प्लीज, सर शशि थरूर ने भी उसके लिए बोला है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस तरह से डेंजर में चली जाती है जैसे पायल रोहतगी को अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने भी अपने ट्वीट में पीएम और एचएम दोनों को माफ किया है और कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? शशि थरूर शशि थरूरी है। अशोक जी हाँ, अशोक जी जो हेल्थ प्रायोरिटी है, आपको माइक मिल गया, बहनों माइक बोले सब, जो हेल्थ प्रायोरिटी है सरकार के लिए उसमें जो निरोगी राजस्थान है, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्री मेडिसिन स्कीम था वो तो बहुत सफल रही थी, लेकिन निरोगी राजस्थान की जो ब्रॉड आउटलाइन है उसको थोड़ा सा बता दीजिए मेरे। अभी बता मैं आपको, जितनी भी स्कीमें सरकार की होगी प्रिवेंटिव है, खाने की पीने प्रिवेंटिव, वही प्रिवेंटिव मेडिसिन ठीक कह रहे आप, उनके ऊपर जो ही जैसे शुद्ध के युद्ध है ये भी निरोगी रास्ता में आता है, आपके बच्चों के जो आंगनबाड़ी केंद्र में मिलते हैं खाना मिलता है वो भी उसमें आता है, मतलब तमाम योजना जितनी है जिससे कि हेल्थ बना रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे व्यक्ति, वो सब उसमें आएगा, सब स्कीम हम जोड़ेंगे उसको, सॉरी जोड़ करके हम चाहेंगे कि राजस्थान की जनता में निरोगी पहला सुख निरोगी काया जो है कि नहीं है, घर घर में भावना, वो पहला सुख निरोगी काया जो मुआवजा समझ लीजिए या भावना समझ लीजिए, उसको हम घर घर पहुंचाएंगे प्रचार के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से, जनता खुद कंट्रीब्यूट करे, सफाई रखे, स्वस्थ रहे, पर्यावरण ठीक रखे, वो भी इसके अंदर आएगा। इसका मतलब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया अपना आपके अंदर, उन सबको हम जोड़ेंगे, कल से आपका विषय होगा उसको हम एडोप्ट करेंगे, वो भी एडोप्ट करेंगे। देखिए मैं आप लोगों ने मिल रहा हूँ, ये उपलब्धि है, अभी पहले हम मुख्यमंत्री मिली कभी तो फिर मिलती नहीं आपकी, मिलती नहीं बात है। कल से आप 10 जनता क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं पायलट को, कितने जनता क्लिनिक खोलेंगे? कभी मिलती नहीं थी, काम करती नहीं थी, अंदर एक एडिटर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे 3 घंटे, बाहर खड़े थे आप लोग, कब हमें भी बुला ले, तरसते थे, और यहाँ घर है, जब चाहो आ रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, पूछे उपलब्धि क्या हो रही है बताओ। सारे कदम उठाए जो आप बता रहे हैं, ऐसे मामले आए हैं, पहले चर्चा भी थी, ध्यान रखेंगे, हस्बैंड सर बैठे हैं और इसको हम लोग जनता क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं कल से आप, ये पायलट प्रोजेक्ट क्या करेंगे जनता क्लिनिक क्या करेंगे? देखिए मैंने अनाउंस किया था उसके अंदर, पर ये काम कोई आसान काम नहीं है, प्रदेश भर में मोहल्ला क्लिनिक या जनता क्लिनिक नाम दे दीजिए, जन सहयोग से, एनजीओ के सहयोग से, CSR का पैसा जो होता है इंडस्ट्री के पास में उसके सहयोग से, सबके सहयोग से संभव है, जगह मिलना, कहाँ जगह मिलेगी, किस मोहल्ले में कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये हमने घोषणा करी है और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा भला हो जाएगा, गली मोहल्ले के अंदर जाके कम से कम छोटे मोटे इलाज करवा सकता है, जब वो उसको रिकमेंड करेंगे आगे, इसकी मनाली है इसको हम लागू कर रहे हैं, पर टाइम लगेगा सर।
आप मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी सजा देने का प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर 105 केस मिलावटखोरी के सरकार वापस ले रही है, विभाग ने उनके लिए दिखाए के लिए केस वापस ले रहे हैं। नहीं, मेरे कुछ किसने कहा आपको ले जाएंगे? कौन ले रहा? विभाग ले रहा है। नहीं, 105 केस कोई केस वापस नहीं ले जा रहे, कोई केस वापस नहीं ले जा रहे, ना लिए जाएंगे। कर सकते हैं, एजेंट करेंगे, उसको भी एजेंट करेंगे। मतलब जो काम हाथ में लेंगे हम आपके सहयोग जाएंगे, जो काम हाथ में लेंगे, चाहे वो मिलावटखोरों की बात मैंने कही आपको, लागू करने में मीडिया का साथ चाहिए। और मीडिया में आपके बहुत अच्छे, आप लोग मेहनत करते हो, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, शांत स्वभाव के लोग भी हैं राजस्थान के अंदर। आप लोग सब शांत स्वभाव के लोग, उग्र नहीं हो, कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं, उग्र बड़े प्यार से पूछ रहे हो। पर सहयोग चाहिए आप लोगों का कि जब तक आप खुद आर्टिकल टाइम नहीं लिखेंगे, जब तक आप जरूरी स्टेटमेंट छापो, आप लोग अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। आप अब हमने निर्भी राजस्थान की बात कर दी, आपकी कलम में बहुत ताकत है, ताकत काम आप लोगे तो जाके वो कामयाब हो पाएगा, जल्दी काम हो पाएगा, वरना टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है मीडिया क्या कॉपरेट करता है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पर हमारी मंशा में आप लोग कोई शक नहीं कर सकते कभी भी। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, कैसे पब्लिक की सेवा करना। उसी लिए मुझे पब्लिक ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो है मैं बता दिया आपको। मेरा और कोई ना नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा है जिंदगी का, एक ही एजेंडा है, सेवा सेवा सेवा। पर मीडिया वाले साथ देना जरूरी है, मैं मीडिया को बड़ा इम्पोर्टेंस देता हूँ। और मीडिया में कई बार ऐसी खबरें आती है कि बड़ी अच्छी भी आती है, कम से कम उन खबरों से बचाना चाहिए मीडिया को। आपके मित्र लोग कोई ऐसी स्थिति करते हैं कि आपको चाहिए फिर टोकना चाहिए आप लोगों, क्योंकि साइलेंट रहना भी गुनाह होता है। तो कृपा करके आप देखो, आपके कई साथी ऐसे भी हैं जो न्यूज है ही नहीं, न्यूज बना देते, गलत बात है। आप तथ्यों के आधार पर, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, आप जम के आलोचना करो, हमें खुशी होगी। तथ्य नहीं है और आप किसी को खुश करने के लिए, लगाने के लिए आपस के अंदर, भिड़ाने के लिए, ये जो राजनीति चलती मीडिया के अंदर, वो पत्रकार भी बन नहीं सकते, वो खाली टाइम पास कर रहे हैं। जिस दिन उनका मालिक ने उनको निकाल दिया ना, ना घर करेगा ना गाड़ करेगा। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान में आप लेकर आए, मेट्रो है, इस पांच साल के कार्यकाल का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो रिफाइनरी है, पर इस टाइम मैं चाहता हूँ टाइम पे पूरा हो। और टाइम पे क्या, ये चाइना रिफाइनरी बनी है, बठिंडा रिफाइनरी बठिंडा लगी, 12 साल लगे वहां, और 4 साल के पीरियड होता है, 5 साल बर्बाद कर दिए पिछली गवर्नमेंट ने। अब मैं भी जाके आया हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं रेगुलर में आ जाऊं। मैं वहां पर जब पंडित नेहरू गए थे, बाघा डैम बना था, तो पंडित नेहरू हर महीने जाते थे वहां बाघा डैम, तब जाके बाघा डैम बना था उस जमाने के अंदर। और जो इंजीनियर्स थे मुझे पहले चाय पीते थे, गपशप करते थे, तब उनकी हौसला भी होती थी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, तो मैं जाके वहाँ हौसला भी करूँ। एक बड़ा परेड आया राजस्थान के अंदर, हजारों लोगों को रोजगार मिले, ये मेरा पार्टी फिर सांसदों को लेकर कल वाला देखो, इस बिल में मेन बात तो भेदभाव किया गया है धर्म के नाम पर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करो, ये सब मैं काम जानबूझ के ले रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। मीडिया सब मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे इस बात की जानकारी है, एहसास है, तभी मैं बोल रहा हूं। देश में खतरनाक खेल चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ देश को कैसे ले जाए, उनके धरातल जमीन तैयार की जा रही है। इसके लिए एक के बाद एक एजेंडा
इकोनॉमी का होना चाहिए पहला देश के लिए, उस पर डिपेंड करती है सब बातें, देश डिपेंड करता है इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, लोग भूखे मरने लग जाते हैं। उस एजेंडे के बजाय आप जो है एजेंडा लिए हो काम में 370 का, राष्ट्रवाद के नाम पे भड़काने का लोगों को, लिचिंग हो रही तो परवाह नहीं करने का, छापे डलवाने का आपको, जुडिशरी इनकम टैक्स ईडी सीबीआई छापे क्या कहते हैं दबाव डलवाने का, उनके माध्यम से छापे डलवा रहे हो आप लोगों पे, ये एजेंडा क्या है आपका? चारों में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, हर व्यक्ति डरता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा पता नहीं मेरे यहां इनकम टैक्स आ जाएंगे। ये पूरे देश के हालात है, तो इस मुल्क में ऐसी स्थिति बनती है, आप सोच सकते हो, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे, जो भुगतने की तब समझेंगे। चिंता नई पीढ़ी की हम लोगों को, कि नई पीढ़ी का फ्यूचर भी और देश का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है, तो नई पीढ़ी को जाने सोशल मीडिया को लेकर के ये मुझे मालूम है कि मेरी जो टैप है ये पीएमओ मंगाई गई है, जो मैंने सुना अभी कल परसों कि पीएमओ ने या पीएम पे जो बीजेपी ने जितने मैंने स्टेटमेंट आज तक दिए हैं वो तमाम स्टेटमेंट दिल्ली मंगा लिए गए हैं, तब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बोलूं तो आप समझ सकते हो कि ये जो एजेंडा है ये एजेंडा उनका है, राष्ट्रवाद के नाम पर सेनाओं को उन्होंने क्या देखिए, मतलब हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान की बोली बोलते हैं हम तो, ये क्या जुमला है? किसी प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री ने देश में आजादी के बाद में ये भाषा काम नहीं ली होगी किसी के लिए कि ये विपक्ष वाले तो पाकिस्तान के हमारे बोल रहे हैं, और पाकिस्तान के औकात क्या हमारे सामने बताओ, बल्कि मैं दोष दूंगा इस सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को, अमित शाह को, उन्होंने पाकिस्तान को चर्चा में ला दिया है। अभी तक चर्चा चलती थी हिंदुस्तान चाइना दो मुल्क जो हैं वो आने वाले वक्त में दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, चर्चा ये थी दुनिया के अंदर, दुनिया में थी चर्चा ये जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर। अब क्या चर्चा होने लगी है? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री खुद ही कह रहा था कि मेरी हैसियत नहीं लड़ने की हिंदुस्तान से, बताइए आप, वो खुद बोला है, ऐसा भाषा मैंने हिंदुस्तान में दुनिया की किसी प्राइम मिनिस्टर ने सुनी होगी जो वो बोला है कि भाई हमारी हैसियत नहीं है कि हम हिंदुस्तान में मुकाबला कर सके, हमारे पास अनुभव बचा हुआ खाली बस, वो बोल रहा है। और आप पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसा कर दिया, एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक, तीसरी स्ट्राइक कर दी है, चुनाव पोलिंग एक दिन पहले और कर दी है, महाराष्ट्र के और हरियाणा चुनाव के एक दिन पहले एक और स्ट्राइक कह दिया, एक स्ट्राइक और हमने कर दी है। अब बताओ ये तमाम बातें राष्ट्रवाद के विपक्षी पार्टियों को कहना कि आप तो राष्ट्रद्रोही हो, क्योंकि आप असहमत हो, आप हमसे असहमत हो तो राष्ट्रद्रोही हो गए हो। पीछे ही आपके साहित्यकारों ने लेटर लिखा मोबली सिंह का, उसको लेकर आप कह दिया कि उससे कह दिया कि क्या कह रहे मैं क्या बोल रहा था मोबली सिंह हाँ जो मोहब्बत ने लड़न लिख दिया राजदूत का मुकदमा दर्ज हो गया, फिर क्यों आप हिम्मत करोगे भाई, हिम्मत क्यों करोगे आप बताओ? पत्रकार हत्या हो जाती है लिखने वालों की, लेखकों की हत्या हो गई। कहने की बात यह कि ये जो इनका एजेंडा है, मैं आरएसएस के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं बीजेपी के खिलाफ, ना मैं मोदी के खिलाफ हूं, ना किसी को। डेमोक्रेसी का ये खासियत है अपने विचारधारा जनता को बताओ और वोट मांगो आप, ब्रांड बात जब आपको ये किसने ताकत दी? कांग्रेस ने दी ताकत दी है। कब दी है? जब मुल्क आजाद हुआ था। आप कोई भी अपनी बात कह सकते हो, कोई अपनी विचारधारा अपना सकते हो, तो बीजेपी की ताकत मिली है, कांग्रेस की दी हुई ताकत है, हम क्यों विरोध करेंगे उसका? इस्तेमाल करो आप लोग, गाय माता की बात करो, अपनी बात करो, हमें चर्चा नहीं, हम कहेंगे भाई गलत कर रहे हैं, गाय माता को लेकर क्यों वोट मांगते हो, गलत है ये हम कहेंगे, फिर तुम करो राम मंदिर की बात, तुम करो करो, तुम हम कहेंगे तुम गलत करो, सबको साथ लेके चलो, ये हमारी बात है वो उनकी बात है, यहां तक समझ में आता है। पर आप पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हो उन लोगों जो देशभक्त लोग हैं, और खुद देशभक्त कितने हैं, एक उंगली नहीं कटाई है, एक उंगली नहीं कटाई है आजादी जंग के अंदर।
वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हो, आप मुस्लिम पर्स पार्टी हो गई हो, आपका योगदान क्या है देश को बनाने, बताओ। सुनता पूरा मुल्क, क्योंकि धन हो गए, नोटबंदी की बात पता नहीं कितना धन इकट्ठा किया है, कोई सोच नहीं सकता। ये आपका स्कैंडल बहुत बड़ा, आप बताओ ना स्कैंडल जो हुआ, ये आपका ये बॉन्ड वाला, आप किसी से कुछ काम करवा लीजिए और बॉन्ड ले लीजिए, कुछ वाला नहीं। और कांग्रेस को 2G में कोलगेट, अब आप तो ईमानदार हो, मोदी जी भी चार लग ही नहीं रहा है, लेकिन यूथ नहीं है, आपने सिस्टम में डाल दिया इस करप्शन को, तो मोदी गवर्नमेंट ने इस करप्शन को सिस्टम में डाल दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया इसका, आरबी ने विरोध किया, सर स्वस्थन विरोध किया कि आप बॉन्ड मत लाओ, ये देश के लिए घातक होगा, देश की इकोनॉमी के लिए घातक होगा, तब भी लेके आए लोग। कनाडा भी चुनाव हुआ अभी, तो कनाडा चुनाव के पहले वो इसमें कोई पीरियड होता है जिसमें बॉन्ड जारी हो सकता है, हर वक्त जारी नहीं होते ये बॉन्ड, महीने में 10 दिन हो सकते हैं, 3-3 महीने गैप, ऐसा कुछ सिस्टम बना रखा है। कनाडा के चुनाव पहले आपने खुलवा दिया, पहले खुलवाने की कोशिश करी थी, जो मिस्टर गर्ग था वो राजस्थान का आईएएस कैडर का ऑफिसर सुवार गर्ग, तो मना किया कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, तो उसको कहा गया पीएमओ का आदेश है, तो लिखा उसने कि पीएमओ का आदेश है, इसलिए मैं खोल रहा हूं। बताइए आप कहां जा रहा मुल्क, आप किसी का कितनी बड़ा काम कर दीजिए और आप उससे बॉन्ड ले लीजिए 25 करोड़ के, किसी को पता ही नहीं किसके बॉन्ड है क्या नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो देशवासियों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को, बोलते भी गए लोग आर्टिकल लिखते हैं भाई, क्योंकि मीडिया का दबाव के अंदर है। मैं ये बार बार बोलता हूँ, मीडिया दबाव में क्यों बोलता हूँ मैं, मेरे कोई मीडिया वाले खिलाफ है क्या, या मैं उनके खिलाफ हूँ क्या? बोलना पड़े, जो हालात देश में बन चुके हैं उसके अंदर बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। क्या हो रहा है, कोई कई बात नहीं। तो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी हूं, लेकिन शिवसेना के विरोध को लेकर के बीजेपी और बसपा दोनों कांग्रेस पर आक्रामक हो गए। ये तो पॉलिटिक्स में मुद्दे बड़े ये हैं जो मैंने उठाए, मुद्दे बड़े ये, तो राहुल गांधी ने अपनी बात कह दी और सबके सामने कही है। सवाल ये है कि बॉन्ड जो आए हैं आपके, बॉन्ड देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, करप्शन की हदें पार कर रहे हैं। अगर आप किससे कहने सुनो पैसे मांगने इनके, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये लोग कहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मान लो मेरा ये वीडियो जाए पीएमओ के अंदर, मैं बोल रहा हूँ वो कोई बैठे सुनेगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप बताओ मुझे, वो कहे कि अजय साहब आपका नाम अप्रूव हो गया है, मतलब आप इंडस्ट्री लिस्ट हो, आप हर एक से हम परवाह नहीं कर, मांग नहीं सकते हम, तो आपका नाम अप्रूव हो गया, मतलब ऊपर अप्रूव हो गया, हम आपसे मांगना है, और आपने वो 25 करोड़ मांग रहे, आपको यार देखो मैं नहीं दे सकता, 15 दे सकता हूँ, क्या रहे छोड़ो रुपये आपसे नहीं जाना, आप उसी में ढोका जाओगे। अगर 25 नहीं दिए तो पता नहीं क्या कर डालेंगे, आपको मजबूर 25 देने पड़ रहे हैं, ये देश में हालात है। क्या पीएमओ के नहीं मानूंगे बातें, उनके लोग उनके नेता जाके मांगते पैसा, कहां जा रहा मुल्क, कहां जा रहा, सोचिए आप इस बात को। ये वर्कशॉप चल रही है अभी, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप है मेरी। उसका मतलब भी होता है राजा का वो रानी है, उसका मतलब भी होता है, वो 4-6 लाइनें हैं, इसमें एक लाइन भी आती है राजा का वो रानी है, बस अभी रानी जो है कौन आप समझ सकते हो, राजा कहीं की रानी बनाया हुआ आपको मालूम है देश में, ये स्थिति राजा की वो रानी है, बाकी सब पक्का है। अटका पड़ा है एंटी लिचिंग बिल, ऑन द बिल, ऑन द किलिंग बिल, आप बताइए ऑन द किलिंग बिल किसे कहते हैं, एक लड़की को मार दो आप बच्ची को, ये
लड़के को मार दोगे, नहीं क्यों करना। ये ऐसे केस है जिसमें फांसी सजा होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? बच्चों ने शादी कर ली उनको प्यार हो गया इसलिए कर ली। आप मुझसे पूछ रहे हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, आप उनको नहीं पूछते हो जो प्यार कर लिया उन्होंने क्या गुनाह किया? आपने अभी कहा था एक बार कहा नहीं, उनको कौन बचाएगा? नहीं बचाओगे मीडिया वालों? आप बताइए, एक ऑनर के लिए किसे कहते हैं? खबर सुनते हैं, आपसे पढ़ते हैं। अरे भाई, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आर्टिकल आते कभी? क्या नहीं आना चाहिए उनको धिक्कार करने के लिए, बायकॉट करने के लिए? जो लोग ऐसे परिवार को धिक्कार करो, आप उनको बायकॉट करो सोसाइटी, तब वो समझेंगे हम लोग गलती कर रहे हैं। जब तक अपन मीडिया मतलब मैं खाली आपको नहीं कह रहा हूं, साहित्यकार, लेखक, पॉलिटिशियन, हम सब मिलके जब तक अगर मान लो ये नहीं कहेंगे भाई आप ये इसने अपने बच्चे को मार दिया है, लड़के को मार दिया, समाज में बायकॉट होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, पंचायत बैठती है और उसे शादी कर ली, उन परिवार को गांव निकाला, क्या कहते हैं वो, दे दिया। बताइए, उल्टा होता है क्या कहते हैं? बताइए, उसका पानी बंद कर दिया, उल्टा होता है। और मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है, अगर वो लिखने लग जाए समाज एक बहिष्कार होगा ऐसे लोगों का, तो थोड़ा बच्चों का हौसला बढ़ जाए। मतलब ये बात मानवीय बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, घूंघट है। अब मैं घूंघट उठाता हूँ तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, आप खाली मेरी न्यूज छाप दो से मतलब नहीं है। एक औरत घर के अंदर घूंघट में कैद रखते हो उसको, आप घर के अंदर कितना क्या बीतती उसके ऊपर, कहाँ तो मोबाइल आ गया, इंटरनेट आगे चलाए, और कहाँ लड़की जो है शादी करने के बाद या पहले घर से बाहर निकले घूंघट में निकलना पड़ता है, घूंघट में कोई सोचता इसके ऊपर? कितने मेरे बात को इश्यू बनाया, किसी टीवी वाले ने कुछ शाम का जो होता है डिस्कशन उसमें डाला उसको घूंघट को लेके? अरे मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, नेशनल मीडिया की। वो शरद बैठा है, हर्षा बैठी है, पूछो इनको कहाँ चला है। अरे न्यूज राजीव न्यूज प्रिंट में, प्रिंट में, प्रिंट में। अरे भाई न्यूज चलाई होगी, डिस्कशन होता है रवीश कुमार का। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।